आज एक और बड़ी खबर सामने आई है, यूक्रेनी संसद के वर्चुअल एड्रेस में बोरिस जॉनसन का बड़ा बयान। रूसी हमले का जवाब देने में पश्चिमी देशों ने देरी की, जॉनसन ने कहा। यूक्रेन के हालात समझने में हमने देर कर दी, ये भी जॉनसन ने कहा। पुतिन के खिलाफ मिलकर सैंक्शन लगाने में हम फेल हो गए। यूक्रेन को करीब $400 मिलियन की और सैन्य मदद देगा ब्रिटेन, ये भी जानकारी आ रही है। हालांकि आज यूक्रेन की संसद में वर्चुअल एड्रेस में बोरिस जॉनसन ने जेलेंस्की के जवानों की तारीफ की, यह तक कह दिया कि यूक्रेन की आर्मी ने पुतिन का घमंड झूठ झूठ कर दिया है, पुतिन की सेना को खदेड़ दिया है। लेकिन इन बयानों से एक बार फिर रूस और ब्रिटेन के बीच टकराव के हालात बन गए। क्या ब्रिटेन अब रूस से सीधा टकराने की मूड में है? क्या बोरिस जॉनसन और पुतिन के बीच टक्कर होगी? दुश्मनी का सबसे नया चैप्टर खुल चुका है। आज जिस वक्त डोनबास के इलाके में रूसी सेना और यूक्रेन की फौज के बीच जंग जारी थी, मरियोपोल में लोगों को निकालने का काम जारी था, जब व्हाइट हाउस की तरफ से यह कहा जा रहा था कि अमेरिका रूस से सीधा नहीं टकराएगा, उस वक्त ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर यूक्रेन की पार्लियामेंट वर्खोफना राडा से मुखातिब थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे विंस्टन चर्चिल को कोट कर रहे थे। 16 जून 1940 को चर्चिल ने ब्रिटेन की संसद में जो फाइनेस्ट आर वाली स्पीच दी थी, उसी को बोरिस जॉनसन ने इस्तेमाल किया। जॉनसन ने कहा, यह यूक्रेन का फाइनेस्ट आर है, इसे आने वाली पीढ़ियां हमेशा याद रखेंगी। भले ही आपके सैनिकों की संख्या कम थी, 3 का मुकाबला 1 सैनिक कर रहा था, लेकिन वो शेर की तरह लड़े। आपने उन्हें कीव से खदेड़ दिया, आपने पुतिन के अजय रहने वाले मिथक को तोड़ दिया, और इतना ही नहीं, आपने तो सैन्य इतिहास में अपने देश के जीवन में एक शानदार अध्याय भी जोड़ दिया। ये बहस इत्तेफाक नहीं है कि जिस वक्त अमेरिका दुनिया को यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो यूक्रेन की जंग से अलग है, उसी दौरान ब्रिटेन इस जंग में बढ़ चढ़कर जेलेंस्की के साथ दिखाई दे रहे हैं। जॉनसन फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे हैं यूक्रेन की पार्लियामेंट को एड्रेस करने से पहले। हाल ही में बोरिस जॉनसन ने कीव का दौरा किया, अभी तक 4000 से ज्यादा एंटी टैंक वेपन सिस्टम दिए, स्टार स्ट्रीक मिसाइल के साथ स्टॉर्मर आर्मर्ड व्हीकल दे रहा है, आज भी करीब $400 मिलियन की सहायता देने का ऐलान किया। इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट, काउंटर बैटरी रडार सिस्टम, जीपीएस जामिंग इक्विपमेंट और हजारों नाइट विजन डिवाइसेस शामिल हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि ऐसी मदद अमेरिका ने नहीं की, अमेरिका भी $3 बिलियन से ज्यादा की सैन्य सहायता यूक्रेन को दे चुका है। लेकिन ये बात भी सही है कि पुतिन के खिलाफ जितने वोकल बोरिस जॉनसन है, उतने शायद बाइडेन दिखाई नहीं पड़ते या दिखना नहीं चाहते, और यही वजह है कि रूस की मीडिया के निशाने पर भी ब्रिटेन ही रहता है। रूसी स्टेट टेलीविजन पर लगातार ब्रिटेन को धमकी दी गई, टीवी पर सर्वट मिसाइल से लंदन को खत्म करने की बात हुई, ये तक कहा गया कि रूस के सामने छोटा सा ब्रिटेन टिक नहीं पाएगा। रूस और ब्रिटेन के टकराव को नेताओं की बयानबाजी ने और भड़का दिया। कुछ दिन पहले ब्रिटेन के विदेश मंत्री लिज ट्रस का बयान आया था, उन्होंने कहा था कि क्रीमिया समेत पूरे यूक्रेन को आजादी मिलनी चाहिए। इससे पहले रूस ने दावा किया कि बोरिस जॉनसन ने न्यूक्लियर हमले को लेकर भड़काऊ बयान दिया था। इन्हीं सब वजहों से यूरोप में पुतिन का नया वॉर फ्रंट खुल सकता है। हालांकि एंग्लो रशियन होस्टिलिटीज जो है वो कभी भी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं, यानी इनके बीच का जो युद्ध है वो कभी भी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, लेकिन अब वाकई युद्ध बहुत बढ़ गया है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।